और इस वक्त उनका एक होटल के बाहर गर्मजोशी से ताइवान की जनता इंतजार कर रही है। वो किसी भी वक्त होटल हयात पहुंच सकती है। जबकि इस दौरे का विरोध करते हुए चीन ने युद्ध छेड़ने की चेतावनी पहले ही दे रखी है। और जिस होटल हयात की मैं बात कर रही हूँ, ये वहाँ उसकी तस्वीरें हैं ताइपे की, जहाँ पर इंतज़ार हो रहा है नैन्सी पेलोसी का। तादाद में देखिए, मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद है। किसी भी वक्त यहाँ पर नैन्सी पहुँच सकती है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको मैं बता देना चाहती हूँ। ये ताइवान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अमेरिका चीन तनातनी पर ये बड़ी खबर है। दर्शकों को ये पता हो जाए कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बड़ा ऐलान और बड़ा बयान दे दिया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि एकीकरण नहीं रुकने वाला है। वन चाइना पॉलिसी, जो चाइना मानता है कि ताइवान मेरा अपना हिस्सा है। ताइवान कहता है कि मैं अब तुम्हारा वो हिस्सा नहीं जिसे तुम माना करते थे। लेकिन अब चीन का ये कहना है कि अमेरिका ने गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी रुकने वाली नहीं है। वन चाइना पॉलिसी होकर या वन चाइना होकर ही रहेगा। सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये हलचल तेज हो चुकी है। ताइवान के ताइपे की एक हलचल बता रही है कि नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंच चुकी है और तादाद में लोग मौजूद हैं। ये महज मीडिया कर्मी नहीं है कर्नल दानी। जी हाँ, काफ़ी उत्साह है। आप देख सकते हैं कि कितना जोश है आम पब्लिक के अंदर। और ये जो विजिट है, हाई पावर डेलीगेशन जो आया है अमेरिका से, ये 25 साल के बाद आया है। लास्ट विजिट जो ताइवान में हुई थी 1997 में हुई थी, और तब भी सेनेट के स्पीकर उस समय के न्यूएट ग्रीनिच ये आए थे ताइवान, और उसके बाद अब ये विजिट हुई है। ये हमें याद रहे कि 1979 के बाद से अमेरिका ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत ही देख रहा है। तो जो आप अभी ये कह रही थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी का बयान जो बता रही थी, दरअसल अमेरिका की तरफ से कोई भी बदलाव नहीं आया है। 25 साल पहले भी सेनेट की स्पीकर न्यूएट ग्रीनिच वहाँ पर गए थे, और अब नैन्सी पेलोसी गई हैं। अमेरिका अभी भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, उसमें उसकी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। तो अगर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की माने तो वो कहता है कि बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं है स्टेटस को में, जो भी है वो वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। नहीं, तो लेकिन इसके क्या माने हैं कि बदलाव नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी इस बात का तो ख्याल नहीं रखेंगे कि तुम ताइवान को कैसे देखते हो। अगर नैन्सी पेलोसी को वहाँ पहुँचना है तो वो पहुँचेगी। वन चाइना फिर कैसे हुआ? ये कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है सर? जी देखिए, अमेरिका की जो ताइवान के संदर्भ में जो वन चाइना की पॉलिसी तो रही है, लेकिन अमेरिका एक स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी को बना करके भी चलता रहा है। और जब अमेरिका और चाइना के संबंधों में जब सुधार होना शुरू हुआ, तो ताइवान के संदर्भ में अमेरिका की जो पॉलिसी में कुछ चेंजेज आए। लेकिन यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के साइन होने के बाद अमेरिका इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि यदि ताइवान को उसकी आत्मरक्षा के लिए, उसके डिफेंस के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, तो अमेरिका उसे वो सहायता प्रोवाइड कराएगा। तो अमेरिका यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत और वन के तहत ताइवान की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से चाइना के द्वारा पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के, सर मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें बहुत अहम है और मैं आप दोनों को इनवाइट कर रही हूँ तस्वीरों को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या ये अद्भुत तस्वीरें नहीं है इस लिहाज से कि पूरा ताइवान गर्मजोशी से नैन्सी पेलोसी का स्वागत कर रहा है, और ये स्वागत चीन को चिढ़ाने में ज्यादा मजबूत इस वक्त दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ये चाइना को एक मैसेज है, एक चेतावनी है कि चाइना ताइवान के अस्तित्व पर संकट पैदा करने से बाज आए, नहीं तो अमेरिका कोई इसके विरुद्ध, जैसा कि अभी हाल के समय में आपने देखा था कि राष्ट्रपति बाइडेन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजधानी जापान की राजधानी टोक्यो में एक सवाल किया गया, और उसके जवाब में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका कोई मिलिट्री एक्शन ले भी सकता है। हाँ। और इसको उन्होंने रूल आउट नहीं किया। तो जाहिर है कि अमेरिका चाइना को इस विजिट के माध्यम से भी एक चेतावनी देना चाहता है, कड़ा मैसेज देना चाहता है कि ताइवान के अस्तित्व पर यदि चाइना के द्वारा संकट पैदा किया गया तो अमेरिका उसको उसका प्रतिवाद कर सकता है, उसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। इस वक्त नैन्सी पेलोसी मौजूद है ताइवान में, ताइवान से लगती बॉर्डर चीन की। चीन ने वहाँ सारे अपने जो जिसे कहते हैं
उनके जो उनके जितने भी युद्धपोत से लेकर जितने भी उनके आम एंड आर्टिलरी है वो इस बात की तैनाती में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या आम कॉन्फ्लिक्ट का कोई इस वक्त सीन नज़र आ रहा है कर्नल दान? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पोस्टरिंग है और बिल्कुल भी आम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हो नहीं सकता है। और इन एनी केस चाइना ने ये बोला है कि हम लाइव फायरिंग करेंगे ताइवान के इर्द गिर्द, तो वो सब एक नॉर्मल युद्धाभ्यास है जो कि चाइना उस तरीके के युद्धाभ्यास करता रहा है। इस बार शायद इस जवाब में, इस विजिट के जवाब में कुछ ज़्यादा बड़े पैमाने पर शायद वो ऐसे युद्धाभ्यास कर दें, लेकिन किसी भी हालत में दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि उसके बहुत गंभीर नतायज भी निकलेंगे। और साथ के साथ अगर ये तनातनी कॉन्फ्रंटेशन में बदली होती है तो वो चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। चाइना तो कहीं का नहीं रहा ना कर्नल दानवीर, इस लिहाज से कि ये तो वो बादल हो गया जो गरजता है और बरसता नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ब्रिंकमैनशिप की लड़ाई के अंदर चाइना हार चुका है। इस समय ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसके अंदर वहां पर आम जो ताइवान के नागरिक हैं उनके अंदर उत्साह जो देखने को मिल रहा है, दरअसल ये उसी चीज की तस्दीक कर रहा है कि चाइना की जो हैसियत है वो कमजोर हो गई है, कम पड़ गई है। नैन्सी पेलोसी इज द स्टार एशिया पैसिफिक की और उन्होंने चाइना की हवा निकाल दी है। ये वही नैन्सी पेलोसी हैं जिन्होंने 1991 के अंदर थिनामेन स्क्वायर के ऊपर जाकर इन्होंने काला झंडा दिखाया था, और इसीलिए चाइना रेटल्ड भी है। चाइना को इनकी हिस्ट्री के बारे में मालूम है, चाइना को ये अच्छी तरह मालूम है कि हम वन चाइना पॉलिसी के तहत जब ताइवान को अपनी टेरिटरी मानते हैं, और नैन्सी पेलोसी वही 1991 की नैन्सी पेलोसी अब उधर उतर चुकी हैं, तो अब वो वहां से क्या संदेश देंगी, दुनिया को क्या मैसेज जाएगा और चाइना की क्या छवि पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब सोचकर वो काफी परेशान। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, इष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।